हेलो एवरीवन, आप लोग होप आप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, अपने अपने वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आज हम एक रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज करेंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए वो क्या नया एक्शन लेने वाले हैं वो भी हम लोग देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस सिचुएशन में। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, अपने अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए एंड उनका नाम 3 बार अपने मन में ले लीजिए। एनर्जी को कनेक्ट होने दीजिए, कोई किसी तरह का नेगेटिव थॉट्स अभी अपने दिमाग में ना रखिए। अभी क्या, नेगेटिव थॉट्स तो कभी भी नहीं रखना चाहिए, फिर भी मैं अभी के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है आपसे पूरा रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पार्ट्स रेजोनेट करे। तो अपने अपने सिचुएशन वाइज आप अपने इस रीडिंग को देखिएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है हमें बताएं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज डिवाइन गाइड करें। पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कॉइन्स, द हाई प्रिस्टेस, फूल, द वर्ल्ड, द हैंग्ड मैन। पेज ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज की एनर्जी देखिए, इस इंसान की मैच्योरिटी देख लीजिए आप लोग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 6 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, देखिए ये इंसान हो सकता है आप या आपके जो पर्सन है वो हो सकते हैं अर्थ साइन, हो सकते हैं एयर साइन, हो सकते हैं फायर साइन एंड हो सकते हैं वाटर साइन। तो चारों के चारों साइन यहाँ पे मौजूद है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पहला ही कार्ड आया है 6 ऑफ कॉइन्स, बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। अभी का जो भी उनका सिचुएशन है उस सिचुएशन में बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स किस सिचुएशन में बैलेंस बनाना चाहते हैं, वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूशन है उनको और थर्ड आप में और थर्ड पार्टी में कन्फ्यूशन हो रहा है। हाई प्रिस्टेस, आपको ना अभी ये इंसान मतलब बहुत चेंज पर्सन दिख रहे हैं। आप हाईली इंट्यूटिव हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, आप को वो समझ रहे हैं कि आप उनके जो है ना वो हाथ से आप निकलते जा रहे हो, क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में चले गए हो जो पास्ट में आप नहीं थे। उनके लिए हो सकता है आपने ओवर गिवर एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा प्यार देना, बहुत ज़्यादा केयर देना, तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए थे। लेकिन अभी जो वो आपको देख रहे हैं वो आपको एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहे हैं। तो उस सिचुएशन में उनको लग रहा है कि क्या ये बैलेंस बना करके आपके पास रीच आउट कर सकते हैं, ये एक डाउट उनमें अभी जो है दिखाई दे रहा है। फूल आपके साथ केयरलेसली एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा मुझे इमैच्योर एनर्जी दिखाई दे रहा है जो आपके एनर्जी के साथ मैच नहीं करता, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड, कोई एक कार्मिक साइकिल आप दोनों में जो एंड होने के कगार में है, आप दोनों का कोई एक कार्मिक साइकिल चल रहा था जिसमें हो सकता है आप लोगों में बहुत बहस हुआ हो, ब्रेकअप हो चुका हो, आप लोग शायद अलग हो चुके हो, या फिर आप में वो पहले जैसा आप दोनों के रिलेशन में स्पार्क नहीं रहा, इस टाइप का एक कंडीशन एक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है इस
एनर्जी में। हैंगडमैन वो क्या है ना, ये सब सोच करके उनका जो है, उनका हो रहा है हैंगडमैन जैसा सिचुएशन, वो क्या करे। अब जो सिचुएशन क्रिएट हो चुका है या उन्होंने किया हो या जो भी है, उस सिचुएशन में वो आगे कैसे बढ़े जिससे उनका ईगो भी हर्ट ना हो और वो सब कुछ बैलेंस में कर ले। क्योंकि देखिए वो आपके पास, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मतलब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सारे पेज की एनर्जी, पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सारे एक्शन के कार्ड्स हैं। लेकिन कमिटमेंट भी आपको देना चाहते हैं, लेकिन वही पेज की एनर्जी। या तो ये इंसान से आपका कोई एज डिफरेंस है, हो सकता है ये इंसान बहुत सारे केसेस में, नॉट नेसेसरी कि सबके लिए बोल रही हूँ, बहुत सारे केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान एक आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या फिर ये मैच्योरिटी वाइज मतलब बच्चों जैसी मैच्योरिटी है इनकी। आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पैशनेटली आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन क्या है उनकी एनर्जी, इमैच्योर एनर्जी। टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है, उनके पास चॉइस भी है और यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रेजेंट भी है, तो कंफ्यूज्ड है ये बंदा कि कौन सा चुने। लेकिन टू ऑफ वॉन्ड्स हमें ये भी बताता है वो अभी डिसीशन नहीं ले पा रहे हैं, हैंगमैन सिचुएशन में डेफिनेटली है, लेकिन जब वो डिसीशन लेंगे वो आपकी तरफ ही डिसीशन लेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, यही इंसान ना जितना भी प्यार रहे, थोड़ा लॉजिकली सोचने वाला यही इंसान पहले था, जो थोड़ा हार्शली बातें भी आपसे किया हो। अब वो जो आपसे वो हार्शली बातें किया था या फिर आपसे बहस हुई थी, या हो सकता है किसी किसी जगह पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा एब्यूसिव वर्ड्स भी आपको बोले हो, और वो जो आपको बोले हैं, जिस तरह से आपको ट्रीट किए हैं, उसके लिए अभी वो बहुत पेन में है कि ये उन्होंने क्या कर दिया। टेन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा मतलब गिल्ट में है ये इंसान कि ऐसा उन्होंने कैसे कर दिया, और एक बर्डन सा भी फील कर रहे हैं कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं किए हैं, आपने उनको जितना दिया था। कि ये ओवरऑल जो एनर्जी है उसमें आया है क्वीन ऑफ कॉइन्स, जो एक बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग क्वीन है और बहुत मतलब देती है, गिवर एनर्जी में ये रहती है। ये आपको ऐसे एनर्जी में ही देखे हैं, और उनके लाइफ में आपके जैसा गिवर, आप जितना उनको दिए हैं, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम केसेस में दिखाई दे रहा है कि आपने उनको फिनेंशियली भी हेल्प किया है, तो आपने उनको जितना दिया है उनके लाइफ में, इतना उनको किसी से भी नहीं मिला हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो। डेथ, आप उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशन ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप दोनों का जो रिलेशन है उसमें एक रीबर्थ होगा, एक सिचुएशन था, एक साइकिल था जो ख़त्म हो गया है, और वो ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद आप लोगों के जो रिलेशन है उसमें एक न्यू बर्थ, एक न्यू तरह से आप दोनों का रिलेशन शुरू होगा। सिक्स ऑफ कप्स इज द स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ बॉन्ड, मुझे जो दिखाई दे रहा है आप लोग सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हो, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगी आप दोनों के रिलेशन में। अगर कहीं कहीं ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा हो, नो कम्युनिकेशन चल रहा हो, तो डेफिनेटली आप दोनों में एक न्यू बिगिनिंग होगी। और डेट मैं बता देती हूँ, विद इन 2 आवर्स, 2 आवर्स कम ही बोल रही हूँ, 2 डेज 2 वीक्स में आप दोनों में एक सलिड कम्युनिकेशन होने के मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान का जो है थोड़ा नज़रिया चेंज करना होगा अभी के नज़रिया से, तो इनको रास्ता भी मिल जाएगा कि वो आपके पास कैसे आए। चलिए अब एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, वहाँ से कौन कौन से नंबर आते हैं आप दोनों के रीडिंग में। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बताएं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। तो पहला कार्ड आया है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी वो अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं, किस तरह से आपके पास आए,
ईगोइस्ट पर्सन है ना, तो ऐसे आ जाएंगे। तो आप अगर उनको बोल दे नहीं निकलो, मुझे बात नहीं करनी, ऐसे ऐसे किया है आपने, ऐसा अगर आप बोले, तो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि जिस तरह से आप दोनों में बात भी हो जाए और उनका ईगो भी हर्ट ना हो, ईगो भी बच जाए उनका। स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं। डोंट टू वैल्यू, आपको वो बहुत वैल्यू करने लगे हैं। अगर आप दोनों में कोई बहस हुई है और आप दोनों में अभी कटअप चल रहा है, तो आपकी वैल्यू बढ़ रही है उनकी लाइफ में। वो खुद समझ पा रहे हैं आपकी क्या वैल्यू है उनके लाइफ में, आपने आप कितने मतलब दिए हो उनको, सब कुछ उनको समझ आ रहा है इस वक्त में। एप्रिशिएशन, वो एप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, जो शायद पहले नहीं करते थे, वो अभी उनको आपको एप्रिशिएट करना शुरू किए हैं। मैन होल्डिंग ए हार्ट, प्यार बहुत हो रहा है उनको, मतलब प्यार का अपना दिल लेके बैठे हैं हाथ में। थर्ड चक्रा आर्कएंजल शेमुएल, आपको एक गाइडेंस है कि आप अपने सोलर प्लेक्सस पे काम कीजिए। सोलर प्लेक्सस पे काम कीजिएगा तो आप दोनों मतलब जो इंसान है ना, वो खुद ही चले आएंगे। थोड़ा मेडिटेट कीजिए अपने आप को। सोलर प्लेक्सस का कलर होता है येलो, वहाँ पे एक येलो ही सनराइज या फिर एक हवन में जैसे आग होते हैं, उसका सोच करके मेडिटेट कीजिए अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे। ब्रोकन हार्ट, बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में है, क्या करे बेचारे को, कोई मतलब स्ट्रेटेजी भी ढूंढ रहे हैं, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, किस तरह से वापस आए। रिग्रेट भी कर रहे हैं कि क्यों ऐसा झगड़ा वगड़ा करके वो आपसे निकल गए थे। तो ये था रीडिंग। देखिए नंबर बता देती हूँ, 21, 2+1 3, 3+1 4, 3 4, 5+1 6, 4+5 9, 10। 9 दो बार आया है, तो यहाँ पे जो नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 4, 6, 9, 9 एंड 10। 3, 4, 6, 9 एंड 10, तो ये जो नंबर है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है इतने आवर्स, इतने डेज में आप दोनों में कम्युनिकेशन हो जाए। होपफुली प्रे कीजिए कि गॉड से कि उनको स्ट्रेटेजी मिल जाए आपकी तरफ आने का। तो ये था आपका रीडिंग, होप आपको अच्छा लगा होगा। रीडिंग आपसे रेजोनेट भी करेगा। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह का सर्विस चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।